आज हम दशम कक्षाएं दुर्वा संस्कृत सामान्यम के अंतर्गत शुभास्थानी श्लोकों को पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि शुभाषित का अर्थ होता है सु यानी अच्छी तरीके से कही हुई बातें। मैंने इसके पहले आप लोगों को सज्जन प्रशंसा पढ़ाया, दान प्रशंसा पढ़ाया, उद्यम प्रशंसा पढ़ाया। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे वीर पुरुष प्रशंसा। कौन सी प्रशंसा पढ़ेंगे? वीर पुरुष प्रशंसा। तो मेरे साथ साथ बच्चों आप लोग इसका उच्चारण भी करते जाएंगे और इसके शब्दार्थ और भावार्थों को भी समझेंगे। और इसके पहले जो मैंने आप लोगों को श्लोक पढ़ाए हैं या समझाए हैं, आप लोगों ने उसका उच्चारण किया होगा, कॉपी में लिख कर देखा होगा। ऐसी मुझे आपसे आशा है कि आपने निश्चित ही उन श्लोकों को पढ़ा और समझा होगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं वीर पुरुष प्रशंसा। सबसे पहले तो यह है कि वीर पुरुष प्रशंसा का अर्थ क्या होता है। वीर पुरुष प्रशंसा, वीर वीर किसको कहते हैं? जो साहसी होते हैं, जो कैसे होते हैं, निडर होते हैं, जो पराक्रमी होते हैं, उनको कहा जाता है वीर। किसी भी प्रकार की विपत्तियां यदि आती हैं, वो घबराते नहीं है। हर विपत्तियों का जो सामना करता है वह पराक्रमी होता है, उनको कहा जाता है वीर पुरुष। अर्थात आज हम जो पढ़ने वाले हैं वह है वीर पुरुष प्रशंसा। तो चलिए मेरे साथ आप लोग सभी बच्चों उच्चारण करते जाएंगे। सबसे पहला है बिना प्यर्थई वीरह, बिना यर्थैर वीरह इस प्रशति बहु मानोन नति पदम। बिना प्यर्थई वीरह इस प्रशति बहु मानोन नति पदम। समायुक्तो समायुक्तो अप्यर्थः, समायुक्तो अप्यर्थः परि भव पदम याति कृपणः। स्वभावादुद स्वभावादुद भूताम, स्वभावादुद भूताम गुण समुदया बाप्ति विश्याम, गुण समुदया बाप्ति विश्याम। द्युतिम सहिम श्वा किम घृत कनक मालोपि लभते, द्वितीय सहिम श्वा किम घृत कनक मालोपि लभते। एक बार मैं पुनः उच्चारण कर रही हूँ, मेरे साथ साथ आपको भी उच्चारण करना है। बिना प्यर्थैः वीरः इस प्रशति बहुमानोन नति पदम, समायुक्तो अप्यर्थः परिभाव पदम याति कृपणः। स्वभावादुद भूताम गुण समुदया बाप्ति विश्याम, द्वितीय सहिम श्वा किम घृत कनक मालोपी लभते। एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ बेटा, कि यहाँ पर जो भी जो श्लोक मैं पढ़ रही हूँ उसके जो अन्वय हैं, तो वो आपको अन्वय नहीं सुभाषित श्लोक लिखने के लिए आते हैं। अन्वय छंदोबद्ध रचना जब भी हम पढ़ते हैं तो उसका अन्वय होता है उसमें भी, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बहुत सीधे तौर पर जो श्लोक है उसका शब्दार्थ और भावार्थ, क्योंकि आपको श्लोकों के प्रश्नोत्तर लिखने के लिए आते हैं और श्लोक ही लिखने के लिए आते हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत सरल तरीके से ये श्लोकों का उच्चारण करना है और लिख करके देखना है। चलिए अब इसके शब्दार्थों को समझना है। अर्थई मतलब होता है बिना, अर्थई बिना यानी धन से रहित, अर्थ आर्थिक स्थिति, अर्थ यानी धन से रहित। बहुमानोन्नति पदम अत्यंत सम्मान एवं उन्नति के स्थान को, इस प्रशति छूता है, कृपणा विवेक शून्य, समायुक्ता युक्त होने पर, परिभव पदम पराजयता को, याति प्राप्त करता है, गुण समुदाय बाप्ति विश्याम मैंने गुणों के समुदाय को प्राप्त कराने वाली को, स्वभावादि यानी अपने स्वभाव से, जो व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है, उद्भूताम उत्पन्न, सहिम यानी द्वितीय मैंने सिंह की कांति, सिंह की शेर की कांति के समान, घृत कनक मालोपी यानी स्वर्ण माला को धारण करने वाला, श्वा यानी कुत्ता लभते प्राप्त करता है, किम यानी क्या। यहाँ पर वीर पुरुष का अर्थ हमने आपको बताया कि जो पराक्रमी होते साहसी, लेकिन जो पराक्रमी होते यदि वो उनके पास धन नहीं है लेकिन उनका मान सम्मान है, और यदि वह उनके अंदर पराक्रम है तो भी उनका क्या है, उनका सम्मान और समाज में बराबर बना रहता है। इसके भावार्थ को हम समझेंगे। वीर धन से रहित भी अत्यंत सम्मान एवं उन्नति के स्थान को छूता है, अर्थात जो वीर पुरुष होते हैं भले उनके पास धन ना हो परंतु उनके पास क्या होता है, उनके पास पराक्रम है, उनके पास उनकी निडरता होती है, उनका साहस होता है, तो उनके पास भले ही धन नहीं होता लेकिन बाकी चीजें तो होती हैं, तो इसलिए वो क्या प्राप्त करते हैं, सम्मान और उन्नति के स्थान को प्राप्त करते हैं, अर्थात छूते हैं, अर्थात पाते हैं। और विवेक शून्य धन से युक्त होने पर, लेकिन जिनके पास बुद्धि नहीं है कुछ नहीं है
ना बल है, ना बुद्धि है, ना विवेक है, कुछ नहीं है, तो वो किसको प्राप्त, भले ही उनके पास कितना भी धन क्यों ना भरा पड़ा हो, परंतु वो किस चीज को प्राप्त करते हैं? पराजयता। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं करते, उनके पास वो साहस नहीं है, इसलिए विवेक शून्य धन से युक्त होने पर भी पराजयता को प्राप्त करता है। गुणों के समुदाय को प्राप्त करने वाली, गुण माने अपने गुण के हिसाब से, अपने स्वभाव के हिसाब से उत्पन्न सिंह की कांति को, क्या स्वर्णमाला को धारण करने वाला कुत्ता भी कभी प्राप्त कर सकता है? यदि मान लो कुत्ता आज कोई ऐसी कोई पहन ले, कोई चीज चमकती हुई, कोई जो सिंह की कांति के समान, तो क्या वो शेर हो जाएगा? नहीं हो सकता, अर्थात कभी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि जो कुत्ता है वो वही रहेगा, उसका जो स्वभाव है वही रहेगा, और जो शेर है उसका स्वभाव वही रहेगा। इसलिए यहाँ पर आपको एक बार मैं पुनः बता रही हूँ भावार्थ, कि वीर धन से रहित भी अत्यंत सम्मान एवं उन्नति को प्राप्त करता है, और विवेक शून्य धन से रहित होने पर भी किस चीज को प्राप्त करता है? पराजकता को। और गुणों के समुदाय को प्राप्त करने वाली अपने स्वभाव से उत्पन्न सिंह की कांति को, क्या स्वर्णमाला को धारण करने वाला कुत्ता भी कभी प्राप्त करता, अर्थात कभी प्राप्त नहीं करता। इस प्रकार ये हुई वीर पुरुष प्रशंसा। इसके बाद अगला जो श्लोक है, आगे के क्रम में हम पढ़ेंगे, वह है गुण प्रशंसा। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे शुभास्तानी का श्लोक, गुण प्रशंसा। अब गुणों से, जैसे शब्द से ही समझ में, गुण यानी गुणों का, गुणों की प्रशंसा करना, अच्छे कौन से गुण होते हैं, बुरे कौन से गुण होते हैं, कैसे गुणों से कैसे क्या प्राप्त होता है, चलिए पढ़ते हैं मेरे साथ, आप भी उच्चारण करिएगा। गुणा कुर्वन्ति दूतत्वं दूरेपि बस्ताम सताम। गुणा कुर्वन्ति दूतत्वं दूरेपि बस्ताम सताम। केतकी गंध माघ्राय स्वयमायान्ति षट्पदा। गुणा कुर्वन्ति दूतत्वं दूरेपि बस्ताम सताम। केतकी गंध माघ्राय स्वयमायान्ति षट्पदा। इसके शब्दार्थ को समझिए। दूरेपि बस्ताम, दूरेपि माने दूर रहने पर, कोई व्यक्ति पास ना है, नहीं है परंतु दूर है। सताम माने जो सज्जन पुरुष होते हैं। दूतत्वम, दूत के कार्य। षटपदा यानी भौरा। आग्राय यानी सूंघने का, सूंघकर। आयान्ति यानी आते हैं। चलिए इसके भावार्थ को समझते हैं। दूर रहने पर भी सज्जनों के गुण दूत के कार्य को करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, उसका नेचर बहुत अच्छा है, उसमें गुणी गुण भरे, वो हमारे आसपास नहीं रहता, हमारे घर में नहीं रहता, वो दूर रहता है, लेकिन उसके जो गुण हैं, उतने दूर रहने पर भी हम उसके किस चीज को याद करते हैं? उसके गुणों को याद करते हैं, उसके स्वभाव को याद करते हैं, उसमें जो अच्छाइयां हैं हम उसको याद करते हैं। तो इसलिए दूर रहने पर भी जो सज्जन पुरुष होते हैं, उनके जो गुण होते हैं, उनके वो दूत का कार्य करते हैं। गुणा कुर्वन्ती दूतत्वं दूरेपि बस्ताम सता। और कैसे करते हैं? जैसे भौरे, जो भौरा होता है, केवड़ी की गंध को सूंघकर स्वयं आ जाते हैं। भौरे को कोई बताता नहीं है कि यहाँ केवड़ा लगा है या क्या, लेकिन उसकी जो खुशबू होती है, जो फूलों की खुशबू होती है, उसमें जो निकलने वाली सुगंध होती है, उसके उसको आकर्षक होकर के भौरा स्वयं उसके पास आ जाता है। ठीक उसी प्रकार जो सज्जन पुरुष होते हैं, वो हमारे पास भले ही नहीं होते हैं, परंतु उनके जो गुण हैं, वो हम तक पहुंचते रहते हैं, एक दूत का कार्य करते हैं। इस प्रकार दूर रहने पर भी सज्जनों के गुण दूत का कार्य करते हैं, और भौरे जो होते हैं, केवड़ी की गंध को सूंघकर स्वयं अपने आप खींचे चले आते हैं। इस प्रकार ये हुई गुण प्रशंसा। अब इसके बाद हम अगला जो श्लोक पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे बाघ भूषणम। क्या पढ़ेंगे? अगला सुभाषित श्लोक है, वह है बाघ भूषणम। चलिए इसका उच्चारण करते हैं, और मेरे साथ साथ आप लोग भी उच्चारण करते जाइएगा। के यूरा ना विभूषयन्ति, के यूरा ना विभूषयन्ति, पुरुषम हारा ना चंद्रोज्वला। के यूरा ना विभूषयन्ति, पुरुषम हारा ना चंद्रोज्वला। ना स्नानम, ना विलेपनम, ना कुसुमम, ना लंकृता मूर्धजा। वाणिक्या समलंकरोति, वाणिक्या समलंकरोति, पुरुषम या संस्कृता धार्यते। क्षीयन्ते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम् बाघभूषणम् भूषणम्। एक बार पुनः उच्चारण कर रही हूँ, मेरे साथ साथ आप लोग उच्चारण करते जाइए। के यूरा न विभूषयन्ति, पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला, ना स्नानम, ना विलेपनम, ना कुसुमम, ना लंकृता मूर्धजा। वाणिक्या समलंकरोति, पुरुषम या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सत्तम बाघभूषणम् भूषणम्।
शब्दार्थ को समझें। केयूरा यानी जो बाजूबंद, बाजू में हाथों में जो ऊपर बांधे जाते हैं। विलेपनम जो चंदादि सुगंधित पदार्थों का जो लेप बनता है। और अलंकृत यानी समारे हुए। मूर्धजा जो केश होते हैं, जो बाल होते हैं। समलंकृति सुशोभित करती है। संस्कृता यानी संस्कारमयी, क्षीयन्ते अर्थात नष्ट हो जाते हैं। अब हम यहाँ पर समझेंगे भावार्थ को। के यूरा ना विभूष्यन्ति, मनुष्य को ना तो बाजूबंद अलंकृत करते हैं, मनुष्य को ना बाजूबंद अलंकृत करते और ना चंद्रमा की तरह चमकने वाला चंद्रोज्ज्वला, चंद्रमा की तरह चमकने वाला मुक्ता हार, हारा ना चंद्रोज्ज्वला, वह भी कोई शोभा नहीं देता। ना स्नानम, बहुत एक से एक साबुन से आप नहा लीजिए। विलेपनम, बहुत से उपटन लगा लीजिए कई प्रकार के। ना कुसुम, किसी भी प्रकार के फूल वगैरह आप लगा लीजिए। ना अलंकृतता मूर्धजा, और ना ही बहुत सुंदर बाल जो केस है समारे, कुछ भी शोभा नहीं देता। वाणे क्या समलंक करोती, वाणे क्या समलंक करोती पुरुषम या संस्कृता धारयते। एक संस्कारमय वाणी भी, एक संस्कारमय वाणी ही मनुष्य को सुशोभित करती है। अर्थात वाणी ही मनुष्य का स्वभाव होती है और वाणी से ही मनुष्य की शोभा होती है। क्षीयन्ते, क्षीयन्ते यानी नष्ट हो जाते। खलु भूषणानि, जितने भी आभूषण हैं, जितने भी आभूषण हैं वो क्या हो जाएं, क्षीयन्ते अर्थात नष्ट हो जाएंगे। किंतु सततम बाघ भूषण, सततम यानी निरंतर, बाघ नित्य जो बाघ भूषण है, जो वाणी का आभूषण है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता, वो हमेशा नित्य रहने वाला आभूषण है। कहने का तात्पर्य है कि आप कुछ भी कर लें, बहुत सुंदर दिख लें, बहुत सुंदर तैयार हो जाएं, सज लें, अच्छे से नहा लें, चंदन उपटन लगा लें, किसी भी प्रकार के हारों को पहन लें, परंतु आप यदि आपकी वाणी में कठोरता है तो वो आपकी शोभा नहीं होती। आपकी शोभा किस चीज़ से होती है, आपके बोलने से, आपकी विनम्रता से, आपकी नम्रता से ही वाणी, यही संस्कार माने जाते हैं। और जो वाणी होती है, वाणी का ही संस्कार क्या माना गया, वाणी का संस्कार ही व्यक्ति को शोभायमान होता। वही मनुष्य, वही स्त्री या वही जो भी अपने समाज में जो लोग भी रहते हैं, जो वाणी हम जो नित्य बोलते हैं, यदि हमारी वाणी में कठोरता होती है तो वो शोभा नहीं देते। हम कितने भी सुंदर लगे, बहुत सुंदर हार वगैरह सब कुछ पहने रहे, परंतु यदि हम गंदा बोलेंगे तो कोई हमको अच्छा नहीं कहेगा। इसलिए जो वाणी होती है वो मनुष्य को शोभा देती। और सारे जो आभूषण हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, वो सब क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। लेकिन वाणी रूपी एक आभूषण ऐसा है जो कभी नष्ट नहीं होता। अब इसके बाद ये मैंने आपको पढ़ाया बाघभूषणम। अगला श्लोक जो है वह है क्षमा प्रशंसा। क्या है, क्षमा प्रशंसा। सुभाषतानी का जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं वो क्षमा, यहाँ हम पढ़ते जा रहे हैं कि किस प्रकार से किन चीजों की प्रशंसा की गई है। मेरे साथ साथ आप भी उच्चारण करेंगे। क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जनम किम करिष्यति, क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जनः किम करिष्यति, आतृणे पतितो वही स्वयमेवो शाम्यति। क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जनः किम करिष्यति, आतृणे पतितो वही स्वयमेवो शाम्यति। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, इसके पहले के श्लोकों में मैंने बताया था कि जो शब्द बच्चों आपको ऐसा लगता है कि ये थोड़े बड़े हैं तो आप उनको खंड करके पढ़ सकते, स्वयमेवो शाम्यति, ऐसे करके आप उसको लिखिए और पढ़िए और फिर उसको आप मिला दीजिए, स्वयमेवो शाम्यति। इस प्रकार से आप श्लोकों का उच्चारण करें। श्लोकों का उच्चारण बहुत जरूरी है। आप उसको लिख लिख के, जैसे पहले मैं बोल चुकी हूँ कि आप लिख करके और उच्चारण करते जाइए और उसको लिखते जाइए, आपको श्लोक याद हो जाएगा। चलिए इसके शब्दार्थ को समझते हैं। क्षमा शस्त्रम करे, करे यानी हाथ, कर माने हाथ, अत्रणी जो घास होती है, वही माने अग्नि, वही माने अग्नि, उपशाम्यति, उपशाम्यति यानी अपने आप शांत हो जाती है। जिसके हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र है, क्षमा का मतलब क्या होता है, क्षमा माने किसी की भूल चूक, किसी से कुछ गलती हो जाए उसको हम क्या कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। तो यहाँ पर क्षमा, क्षमा जिसके हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र, एक शस्त्र अलग होते हैं और एक होते हैं दूसरे शस्त्र, जो ये कहाँ कौन सा शस्त्र पड़ रहे, क्षमा रूपी जो शस्त्र होता है, यानी हम उसको क्या करते हैं, माफ करना, उसका दुर्जन कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्योंकि भाई हमने, यदि कोई दुष्ट व्यक्ति हमसे कुछ कुछ बोल रहा है, कुछ कह रहा है या कुछ भी, तो हम उसको क्या करते, भैया हटाओ, रहने दो, अब आपसे हमें कोई झगड़ा नहीं करना, तो ये क्षमा हो गई, इसको हम कहते हैं क्षमा। जैसे कैसे क्षमा,
जैसे घास से रहित स्थान में अतृणे पतितो, भाई पतितो माने गिरना, जैसे घास से रहित स्थान में जो अग्नि गिरी हुई होती है वह अपने आप क्या हो जाती है, यदि मान लो जहाँ आग लगती है, यदि यहाँ बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, बहुत सी सूखी पत्तियाँ हैं, घास है, तो वो आग क्या हो जाएगी, पूरे में फैल जाएगी। लेकिन यदि जो आग है, यदि वो एक ऐसी जगह लगती है जहाँ कंक्रीट होती है, पत्थर होते हैं, जहाँ किसी प्रकार की घास फूस नहीं रहती है, तो वो अपने आप क्या हो जाती है, घास शांत अग्नि हो जाती है। उसी प्रकार किस प्रकार जिसके हाथ पे क्षमा रूपी शस्त्र है उसका दुर्जन क्या कर सकता है, अर्थात कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर किस चीज का भाव, उसके अंदर क्षमा का भाव है। जैसे घास से रहित स्थान में गिरी हुई अग्नि अपने आप क्या हो जाती है, उपशामित, यानी अपने आप शांत हो जाती है। ये थी क्षमा प्रशंसा। क्या थी यहाँ पर, क्षमा प्रशंसा। इस प्रकार से मैंने आपको सुभाषित श्लोक में क्या पढ़ा है, क्षमा प्रशंसा, इसके पहले मैं लगातार पढ़ा चुकी हूँ। और अगला जो श्लोक है वह है, बच्चों मैंने आपको सुभाषित श्लोकों के जो भी पढ़ाया है आपको उसका उच्चारण करना है और कॉपी में लिखना है और लिखते हुए उसको याद करना है, क्योंकि ये परीक्षा में, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आशा है कि आप लोग सब लोग पढ़ रहे होंगे और श्लोकों को समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ। तो आप लोग इसमें क्या करिए, पढ़ते जाइए और उच्चारण करते जाइए, लिखते जाइए।